अगर आपने प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम देखी होगी तो कविता का अनुरीता झा को तो जरूर पहचान गए होंगे, और अगर आपने उन्हें नहीं पहचाना तो याद दिलाते चले कि अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर तो आपने जरूर देखी होगी और उसके किरदार भी याद होंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर में समा परवीन का किरदार निभाने वाली पटना की अनुरीता झा की। जिस तरह से अनुरीता ने अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में समा परवीन के किरदार में जान डाल दी थी, उसी तरह प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम में कविता का किरदार निभाकर अनुरीता ने खूब सनसनी मचाई। पटना में जन्मी अनुरीता का हमेशा से ही एक्ट्रेस बनने का सपना था। बचपन के बारे में एक इंटरव्यू में अनुरीता ने बताया था कि जब वे चौथी कक्षा में थी तो टीचर ने पूछा था कि बड़े होकर क्या बनना चाहती हो। इस पर अनुरीता ने बचपने में कह दिया था कि वे मिस इंडिया बनना चाहती हैं। हालांकि वो मिस इंडिया तो नहीं बनी, लेकिन अपने सपनों को आज जी रही हैं। 12वीं की पढ़ाई खत्म होने के बाद उनके घर वाले चाहते थे कि अनुरीता मेडिकल की पढ़ाई करे, लेकिन उनका मन कभी साइंस की पढ़ाई में नहीं लगा। अनुरीता ने प्रारंभिक शिक्षा पटना और कटिहार से करने के बाद 12वीं तक की पढ़ाई राजस्थान में हॉस्टल में रहकर की। जयपुर से 12वीं करने के बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने दिल्ली पहुंची, जहां उनके मॉडलिंग प्रोफेशन से जुड़े दोस्तों ने उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह दी। जब अनुरीता ने अपने घर पर इस बारे में बात की तब पहले तो घर वाले नहीं माने, लेकिन फिर फैशन इंडस्ट्री से जुड़े होने का मौका मिल गया। दिल्ली में कुछ दिनों तक मॉडलिंग करने के बाद अनुरीता ने चैनल वी का गैट गार्जियस ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता। इसके बाद उन्होंने ड्रेस डिजाइनर्स रॉकी एस, मनीष मल्होत्रा, अचला सचदेव आदि के शो में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद अनुरीता साल 2007 में सपनों की नगरी मुंबई पहुंची। यहां उन्होंने क्रिएटिव कैरेक्टर एक्टिंग हाउस से एक्टिंग का सर्टिफिकेट कोर्स किया। मॉडलिंग तो वे कर ही रही थी, मुंबई में उन्होंने थिएटर भी करना शुरू कर दिया। इसी दौरान अनुरीता ने एक्टर रणवीर शौरी के साथ टेलीफिल्म काम का प्लॉट की। इस टेली फिल्म में उनका काम सभी को पसंद आया और इसी के बाद साल 2012 में उन्हें अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर मिली। अनुरीता ने गैंग्स ऑफ वासेपुर के दोनों पार्ट में काम किया है। अनुरीता 2016 में आई फिल्म जुगनी और 2019 में आई फिल्म भारत में माया के किरदार में दिखी। इसके अलावा उन्होंने बिहार के फिल्म निर्देशक नितिन चंद्रा की फिल्म मिथिला मखान में भी काम किया था। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।